जब इतना प्रेम का अनुभव होता है और फिर आपको वापस अपने उस जॉब में जाना है, लौकिक जीवन में जाना है, भट्टी पूरी हो गई, अब नेक्स्ट डे आप वापस पहुंच गए, तो अंदर क्या ऐसे एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, बट क्या करें, पैसे तो कमाने हैं तो ये करना है। दाल रोटी के लिए करना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर कैसे खत्म हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट? एक्चुअल में दीदी क्या था कि मेरा जो ये सपना था कि मैं मुंबई में जाऊंगा एक दिन और मैं हीरो बनूंगा, ये मैं छोटा सा भी बोलता था व्हेन आई वाज ओनली आई थिंक 12 और 13 ईयर ऑफ एज। जब मैं 12-13 वर्ष का था तब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा। वैसे तो गांव से बिलोंग करता था और बहुत ही उस वक्त गरीबी का माहौल था गांव में, कच्चे घर थे हमारे, ऐसे ही गाय भैंसों का पालन ये सब होता था। तो सरकारी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई थी तो वहां पे हम पढ़ते थे और मेरे मन में चलता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा, जबकि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता पर हाँ था, मेरे को जाऊंगा मैं एक दिन बड़ा हो के। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता गया सपना और बड़ा होता गया, और क्योंकि बिल्कुल टिपिकल गांव से बिलोंग करता तो गांव की आपको पता है लैंग्वेजेस कैसी होती है, और फिर हिंदी मीडियम से पढ़ा वो भी गवर्नमेंट, तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती, इंग्लिश तो आप छोड़ ही दो, लेकिन बस करना है मेरे को जाना एक दिन। तो जब वहां तक पहुंचा ना मुंबई तक, ये सब मॉडलिंग वॉडलिंग के फील्ड में उससे पहले बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने ऊपर, अपने एक 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 शब्द को, जैसे अब वही बोला शब्द, तो इस शब्द को मैं शब्द नहीं कहता था, शब्द लाइक यूज टू स्पीक लेस, कैसे इज्जत, आई यूज टू कॉल इट इज्जत। सो जैसे ना शब्दों को, एक एक शब्द को करेक्ट करना है ना। जैसे एक बार मैं 12th क्लास में था, समवन सेड टू मी थैंक यू सो मच, मुझे समझ में ही नहीं आया थैंक यू सो मच का मतलब क्या होता है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग समवन कि भाई ये थैंक, किसने कुछ बोला मुझे थैंक यू करके कुछ, इसका मतलब क्या होता है? तो कहते थैंक यू मतलब धन्यवाद। ओ अच्छा, और उसके साथ कुछ और भी लगा था, बहुत भारी सा शब्द था, तो भारी सा हाँ क्या था? अरे था, मैंने उनको बोला आ इधर आइए, आप इनको बोल के बताइए वो भारी सा शब्द आपने बोला था क्या था वो। तो कहते भारी क्या था उसमें, थैंक यू सो मच, पर अरे सो मच का मतलब होता बहुत सारा धन्यवाद। ओ अच्छा चलो, एक नई चीज सीखने को मिली। सो आई वॉज लाइक दिस इन 12th क्लास। तो वहां पे गए तो आप समझ सकते हैं हाथ पैर कांपते थे मेरे जब लोगों से मिलता था। सो बहुत काम किया था अपने ऊपर, तो इसलिए ये लगता था जब ये मैं आ रहा हूँ वहां से बाबा के साथ ये मिलन करके, मेरे मन में यही चल रहा है कि कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ और अब मेरा पूरी तरह से एक तरीके से तूफान चलने लग गया मन में कि मुझे एकदम पवित्र जीवन जीना है। और ये स्पष्ट है कि आप इंडस्ट्री में रहते हुए पवित्र रहना, आप चलो उस लेवल पे पवित्र रह सकते हैं, लेकिन जो ये है आपका थॉट लेवल, आप शूटिंग के दौरान टचिंग वचिंग जो होती है, आप कितना बचेंगे उनसे? मन में ये चल रहा है कैसे? फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो आपको पार्टीज में बुलाता है, आप कैसे मना करें? आप एक बार बहाना दे सकते हैं, दो बार बहाना दे सकते हैं, आप जाए ही ना तो आपके कॉन्टेक्ट ही खत्म हो जाते हैं और आपको शूट्स मिलने बंद हो जाते हैं। और ये मेरे साथ होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, अल्कोहल छोड़ दी थी, और इसका सीधा असर मेरी बॉडी पे पड़ने लगा था क्योंकि मैं सिर्फ अब वेजिटेरियन भोजन ले रहा था और वेजिटेरियन में मुझे इतनी समझ नहीं थी उस वक्त के, वेजिटेरियन से बॉडी में कैसे मेंटेन करूं। फिर दूसरा ये भी चलो मैं कर लूं, लेकिन मेरे को ये भी था कि मैं जिम जाता था तो मेरे अंदर भी रह गया था कि देहभान है ना ये तो, पर मेरे मैं अब सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगा, क्या बॉडी बना के क्या है, मेरे को मजा नहीं आता ये बॉडी देखते रहते, अब खड़ा होके अब मन नहीं करता देखने का, सोल मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, ऐसा मुझे रहता था। अब ये सब चल रहा है और इसके कारण क्या हुआ, इसी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के कारण बॉडी में बहुत गिरावट आई, चेहरे पे भोलापन आने लग गया और वो एटीट्यूड आना बंद हो गया जो कभी शूट्स में आया करता था।
तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं शूटिंग पे हूं और मेरे ही सामने मुझे हटाकर दूसरे मॉडल को ले लिया जाता था। फिर ये कई बार होने लगा और ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता था कि मॉडलिंग छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मॉडलिंग करते हुए ये चीज करता रहूंगा, और मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया मेरे मुझे सबके सामने। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा, एक बार तो मैं इतना अच्छा मॉडल था और अब ये क्या हो रहा है। तो मैं बाबा से लड़ता था मन ही मन कि ये क्या हो रहा है, मैं आपका बन के ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब ये सब फिर भी होता रहा। एक समय ऐसा भी आया जो कि शायद आपने अनुभव में सुना होगा, कि ये समय भी आ गया कि वास्तव में मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी और मैं घर नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो पहले ही फोन पे तो मैंने बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे, वो थोड़े घबराने लगे थे कहीं ये बाबा तो नहीं बन जाए ऐसे ऐसे। लेकिन मिलने के बाद वो अलग बात है, उन्हें ज्ञान दिया था लेकिन फोन पे तो नहीं समझा पाया था सही से उन्हें, क्योंकि नए नए को आपको खुद समझ नहीं होती क्या बोले। तो जब ये धन नहीं रहा ना, तब दिक्कत खड़ी हुई भोजन की। और एक समय ऐसा भी आया था कि जैसे एक बार भट्टी के दौरान अनुभव सुनाया था कि सचमुच मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, और पता नहीं एक मन में एक क्या थी, एक अड़ियलपन आ गया था कि मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, बाबा ने मुझे चुना है ना, मैं आपको बोल दूं, ये थोड़ा अहंकार टाइप लगता है, लेकिन मैं ऐसा कहता था उस वक्त मन में कि मुझे एक मॉडल से बी के क्यों बनाया बाबा ने, क्या भूखा मरने के लिए बनाया, मेरा कोई जरूर विशेष पार्ट होगा। मुझे ऐसा फीलिंग आती थी अंदर कि मेरा जरूर कोई विशेष पार्ट होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं कितने दिन भी भूखा रह लूं मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे बाबा ने चुना है। मेरे मन में बार बार आते थे कितने मॉडल्स को बाबा ने चुना, एक को भी नहीं। कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं लेकिन बस थोड़ा बोड़ा ज्ञान सुनते हैं और स्टेज पे खड़े होके ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, लेकिन लेकिन एकदम से वारिस क्वालिटी कितने चुने आज तक। मेरे मन में बात आती थी, तो मेरे मन में आते थे कोई नहीं, बस तू ही है। तो मुझे आता जब मैं ही हूं तो फिर मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं भूखा नहीं मर सकता, मुझे मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मेरा पार्ट बहुत विशेष है, बहुत विशेष है।